दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और भूत नगरी का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसे देख ले, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा गलती से भूत नगरी में आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा ने देखा कि उस भूत नगरी में चारों तरफ मॉन्स्टर्स और भूत हैं। इस भूत नगरी में एक सनकी राजा का राज था। वो राजा गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा को पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को भेजता है। सिपाही गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा को पकड़कर महल के अंदर उस सनकी राजा के पास लेकर आते हैं। वो राजा गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा को कैद खाने में बंद कर देता है और उन्हें मॉन्स्टर बनाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा उस कैद खाने से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही उन्हें एक अच्छा मॉन्स्टर मिलता है। वो अच्छा मॉन्स्टर इन लोगों को बताता है कि ये एक इंसानों की दुनिया हुआ करती थी। उस सनकी राजा ने इस दुनिया को मॉन्स्टरों की दुनिया बना दी है। तभी वो सनकी राजा उन्हें देख लेता है। और अब आगे की स्टोरी। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो सनकी राजा अपने सिपाहियों से कहता है कि जाकर उन लोगों को पकड़कर यहाँ लाओ। सिपाही दौड़कर गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा की तरफ जाने लगते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं कि गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इन सिपाहियों को सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर बाबा एक एक कर सारे सिपाहियों को मार देते हैं। ये देखकर वो सनकी राजा बहुत ज्यादा भड़क जाता है। सनकी राजा बाबा से कहता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बाबा कहते हैं, हिम्मत है तो आ लड़के दिखा, तेरे से खतरनाक तो मेरे गांव की बकरियां हैं। राजा ये सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। तभी राजा अपनी जादुई शक्तियों से उन सिपाहियों को कंकाल सेना में बदल देता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो अच्छा मॉन्स्टर बाबा से कहता है, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा, इन कंकाल सेना का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं, नहीं, तुम लोग यहाँ से जल्दी भागो, तब तक मैं इनको रोकने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली, शॉन और वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाते हैं। बाबा उन कंकाल सेना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है बाबा इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो कंकाल सेना बाबा को मारकर दूर फेंक देती है। बाबा बेहोश हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन भागते भागते एक जंगल में आ गए हैं। गुल्ली बुल्ली, शॉन और वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वो मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है, उस राजा ने अभी तक बाबा को पकड़ लिया होगा और वो हमें भी पकड़ने के लिए इधर ही आता होगा। तुम सभी लोग मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम लोगों को एक प्लान बताता हूँ। शॉन कहता है, लेकिन अगर वो राजा हमारा पीछा करते करते तुम्हारे घर तक भी आ गया तो? मॉन्स्टर कहता है, टेंशन मत लो, मेरा घर एक खुफिया जगह पर है, सभी लोग मेरे साथ आओ। सभी लोग उस मॉन्स्टर के खुफिया घर पर आते हैं। सभी लोग घर के अंदर जाते हैं। मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है, हमें जल्द से जल्द बाबा को उस मॉन्स्टर के चंगुल से छुड़ाने का प्लान बनाना होगा, वरना वो सनकी राजा बाबा को मॉन्स्टर बना देगा। शॉन मॉन्स्टर से कहता है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो राजा बाबा को लेकर किधर गया है? मॉन्स्टर कहता है, हम बाबा का पता इस जादुई गोले में लगाएंगे। इतना कहकर मॉन्स्टर उस जादुई गोले से बाबा का पता लगाने लगता है। उस जादुई गोले में दिखता है कि वो सनकी राजा बाबा को लेकर अपने महल के छत पर है और वो सनकी राजा बाबा को मॉन्स्टर बनाने की तैयारी कर रहा है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली सभी लोगों से कहता है, हमें जल्द से जल्द चलकर बाबा को बचाना होगा। तभी शॉन को एक टेलीफोन दिखता है। शॉन मॉन्स्टर से पूछता है कि वो टेलीफोन कैसा है। मॉन्स्टर शॉन से कहता है कि वो टेलीफोन एक जादुई टेलीफोन है, उस टेलीफोन से हम दुनिया में कहीं भी कॉल लगा सकते हैं। शॉन कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें इस टेलीफोन से रॉड को कॉल लगाना होगा और उसे यहाँ बुलाना होगा। रॉड बाबा को छुड़ाने में हमारी जरूर मदद करेगा। गुल्ली कहता है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, जल्दी रॉड को कॉल लगाओ। शॉन तुरंत से रॉड को कॉल लगाता है।
क्या हुआ शॉन, तुमने इतनी रात को मुझे कॉल क्यों किया? शॉन रॉड से कहता है कि रॉड हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। शॉन रॉड को सारी बात बताता है। शॉन कहता है हमें बचाने के लिए जल्दी इस भूत नगरी में आ जाओ, वरना वो बाबा सहित हम लोगों को भी मॉन्स्टर बना देगा। रॉड कहता है गुल्ली बुल्ली और शॉन टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों को बचाने के लिए आ रहा हूँ। रॉड फोन कट करता है। रॉड अपनी जादुई बंदूक को उठाता है। रॉड अपनी सुपर कार में बैठता है। रॉड अपनी सुपर कार को उस पेड़ के पास लाता है और रॉड उस जादुई पेड़ के पोर्टल के अंदर चला जाता है। थोड़ी ही देर में रॉड दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। रॉड कार को ड्राइव कर गुल्ली बुल्ली शॉन और उस मॉन्स्टर के लोकेशन पर पहुंचता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन रॉड को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। रॉड कहता है सभी लोग आकर कार में बैठ जाओ, हम बाबा को बचाने चल रहे हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन रॉड और वो मॉन्स्टर आकर कार में बैठ जाते हैं और कार को ड्राइव कर उस महल के पास ले जाने लगता है। थोड़ी ही देर में रॉड महल के पास पहुंच जाता है। यहाँ आकर सभी लोगों ने देखा कि वो सन की राजा बाबा को मॉन्स्टर बना रहा है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। रॉड गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, अभी देखो मैं कैसे उस राजा को सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर रॉड दौड़कर उस महल के छत पर आता है। रॉड उस सन की राजा से कहता है कि बाबा को जल्दी छोड़ दे, वरना तेरा खात्मा आज तय है। रॉड इतना बोल ही रहा था तभी एक कंकाल आकर रॉड को मारता है, जिससे रॉड वापस गुल्ली बुल्ली शॉन और मॉन्स्टर के पास आकर गिरता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और देखते ही देखते वो सन की राजा बाबा को मॉन्स्टर बना देता है। तो दोस्तों क्या होगा गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा का, क्या ये लोग यहाँ से बचकर निकल पाएंगे? अगर आपको जानना है तो आपको देखना होगा पार्ट 4। देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दे।